ब्यूटीफुल पीपल, यस दिस इज मी योर फेवरेट एक्ट्रेस आस्था अग्रवाल। थैंक यू सो मच, आप लोगों की दुआओं से मेरा वीजा लग गया और मैं जा रही हूँ मेलबर्न। सो मैं दिखाती हूँ आपको मेरा पहला ऑफिशियल इंटरनेशनल ट्रेवल व्लॉग टू ऑस्ट्रेलिया और हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों की सबकी दिवाली बहुत ही रौनक वाली रही होगी क्योंकि इस बार सब रिस्ट्रिक्शन उड़ गई थी और सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो हैप्पी दिवाली टू यू, टू मी एंड टू एवरीवन। कीप वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ्स और देखिए मेरा व्लॉग। बताने की जरूरत है ही नहीं ना, लाइक मेरी आवाज तो आ ही नहीं रही है, जो कि काइंड ऑफ मुझे पता भी था क्योंकि एयरक्राफ्ट में एक सराउंड साउंड चलता रहता है, उस पे मैं पहली बार एयरक्राफ्ट में बैठ के व्लॉग कर रही हूँ तो मेरी सोशल ऑकवर्डनेस में मैं विस्पर मोड में बोल रही थी। तो बेसिकली बस मैं ये बता रही थी कि मैं निकल गई हूँ, दिल्ली जा रही हूँ, दिल्ली से मम्मा को पिक करूंगी और हम उड़ जाएंगे। बहुत ही यम्मी चिकन सॉसेज है, वॉट यमी डिलाइट। सीरियसली यूजुअली मैं लुक फॉरवर्ड नहीं करती हूँ खाना एयरक्राफ्ट में, मगर इस बार क्या डिलीशियस सॉसेजेस थी, चॉकलेट कोर्से था और यमी आम दोई थी, क्या क्या था मैं दिखाया ही आपको, तो बड़े मजे में मैं खा गई। वैसे भी मैं अर्ली मॉर्निंग उठी थी तो भूख भी लग रही थी। एक बात जब हम लोगों को फ्लाइट हो जाता है सो आई पर्सनली फील दिस इज द वे यू शुड, एवरीथिंग शुड बी फ्लैट, कि ऐसे कोई उठाए उस पर ट्रे को तो वो सामान इधर उधर गिरे नहीं। इमेजिन अगर हमें उठाना पड़ता है जब खाना खाने के बाद प्लेट, तो वो थोड़ा क्लम्सी होता है और अगर उसमें कोई झूठे बर्तन देते हैं तो डजंट फील ऑल फील गुड, एस्पेशली अगर हम अपना टिश्यू जो यूज़ किया बाद में कवर करते हैं, इट्स लाइक अ थॉटफुल थिंग। सो मैं कोशिश करती हूँ हमेशा तो देख, तो आपने लिया ही है, मैं एक बार क्लियर ऑडियो में बता देती हूँ कि जब हम खाना खा लेते हैं तो आई प्रेफर एंड आई थिंक इट्स द राइट थिंग टू डू कि हम उसे अपने नैपकिन से, बड़े वाले या पेपर नैपकिन टिश्यू पेपर से कवर कर दें बिफोर हैंडिंग ओवर टू द एयर होस्टेस, क्योंकि आई थिंक ये ठीक रहेगा, आपको भी लगता है ना? ये एक्साइटमेंट बढ़ रहा है, पहला पड़ाव पार हो चुका है क्योंकि मैं दिल्ली पहुंच चुकी हूँ। सुबह सुबह उठ के 4 बजे उठी थी आज, मैं 4 बजे उठ के रेडी होकर मैं चुकी हूँ। देखो काफ़ी कम लोग उठे हैं अभी, खाली है एयरपोर्ट, जस्ट बाई चांस बहुत खाली दिखाई दे रहा है अभी एयरपोर्ट, एंड हियर आई एम अपना होम टाउन दिल्ली। अब मैं मम्मी को लूँगी और पापा से भी मिलूँगी और भाई से भी मिलूँगी और भैया दूज भी मना लूँगी और फिर मेलबर्न, ऑल ओवर वर्ल्ड घूम लो। लेकिन जब आप दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड करते हो ना तो आप प्राउड हो जाते हो कि इंडिया के एयरपोर्ट बेस्ट अल्टीमेट लुकिंग है। एंड आज मुझे मिली है ये गॉर्जियस स्टनिंग पिकॉक, एंड लुक एट इट, मेरा जंपसूट से मैच हो रही है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक सेल्फी मोमेंट क्रिएट हो जाए और लकीली यस मुझे मिल गई वो पिक्चर।
बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ मिली है एयरपोर्ट पे मुझे, आई होप मैं दिखा पाऊँ। ये कैट इन द बैग, लुक एट इट। आई एम सो सॉरी टू रिवील योर फेस विदाउट परमिशन। ओके, हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, यस दिस इज मी योर फेवरेट एक्ट्रेस आस्था अग्रवाल। आई एम हियर टू विश यू अ वेरी हैप्पी भाई दूज। जो कि अभी आपने देखा, मैंने अपना कोलैबोरेशन वाला जो विशेष था भाई दूज का, वो भी पहली बार एयरक्राफ्ट में बैठ के बनाया, तो ये स्पेशल था इसलिए मैंने यहाँ भी शेयर किया है। और इसी के साथ मम्मा की भी, मम्मी मेरी कहीं भी नहीं है, फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं नहीं है, वो बस यूट्यूब पे मुझे देखती रहती है और टीवी में भी मुझे देखती रहती है। तो उनकी एंट्री हो गई है इसी वीडियो में। गॉड ब्लेस यू एंड हियर इज अ सरप्राइज, आई एम ट्रैवलिंग विद माय मम, सो फर्स्ट टाइम इन हर, यू कैन सी मम्मा ऑन इंस्टा। बाय, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू। हे गाइस, सो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जिंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ में बड़ी बड़ी बातें होती है। एक तो बहुत बड़ी बात है कि आज मेरे साथ मम्मी आए हैं और हम दोनों जा रहे हैं मेलबर्न। और आई वांटेड टू सी कितना क्यूट लग रहा है ये, मतलब आप फ्लाइट में हो और आपको इतने प्यार से कोई खाना सर्व करे, बहुत ही स्वीट जेस्चर है ये। थैंक यू एयर इंडिया फॉर दिस एंड थैंक यू गॉड। ओके, तो हम खाते हैं अभी और बात करते हैं आपसे आगे। सी यू। लाइटिंग का कुछ समझ नहीं रहा है, ऑस्ट्रेलिया आ गया है। एंड ओह माय गॉड, ऑस्ट्रेलिया आ गया है, वी हैव रीच मेलबर्न। और नींद आ रही है क्योंकि हमारे तो टाइम हो रहा है इंडियन टाइम के हिसाब से 1 बजने वाला है, मगर यहाँ अर्ली मॉर्निंग है। अब आएगा मजा जब अब नींद में सुबह में होंगे। चलो देखते हैं बाहर निकल। हम पहुंच गए हैं मेलबर्न। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, ये आ रहा है मम्मी, मेलबर्न आ रहा है। मम्मी को बहुत टेंशन हो रहा है कि मेलबर्न नहीं आ रहा है। आ गया है वो। ओके, तो हम पहुंच गए एयरपोर्ट सुबह सुबह, 6:30 बज रहा है यहाँ पर। और मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि हमें नींद आएगी क्योंकि हमारे तो 1 बज रहे हैं रात के, मगर एक्साइटमेंट इतना हाई है कि नींद तो भाग चुकी है। अब भाई आ रहा है लेने, भाई को भी सुबह सुबह उठा दिया है, वो आ रहा है, पहुंचने वाला होगा। और हाँ, एयरपोर्ट से निकलने के लिए ऐसा था, इट्स लाइक अ पड़ाव। मैंने भाभी को पूछ लिया था कि कुछ लाऊं क्या, कुछ लाऊं क्या, मैंने इतना सर खाया। तू तो ब्लॉग में भी आ गया। ऑल राइट, तो मेलबर्न पहुँच गए और सिचुएशन ना थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी इधर, तो ओवरवेलमिंग हो गई थी। मैं अपने भाई से 2018 के बाद मिल रही थी, दिस वॉज वेरी स्पेशल। तो और मुझे वैसे भी लगता है कि मैं किसी को भी व्लॉग में इंट्रोड्यूस कर रही हूँ तो उनके बाइट्स लेने से पहले मैं उनसे परमिशन ले लूँ, पर भाई का सरप्राइज पैकेज में नीचे आ गया, ठीक है। बट बाद में उसने एक दिन बाद मैंने बात की थी तो ही अग्रीड, द होल फैमिली अग्रीड, एवरीबडी अग्रीड। बट एनीवेज, उस दिन कुछ कैप्चर नहीं हो पाया। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि दूसरा पड़ाव था, खतरनाक पड़ाव। मैंने दिल्ली, इंडिया में, मुंबई में थी यार, मैं मुंबई जब मैं थी और मैं भाभी को कॉन्स्टेंटली एक हर हफ्ते जब तक वीज़ा का वेट चल रहा था मैं पूछती रहती थी क्या लाऊँ क्या लाऊँ क्या लाऊँ, मैंने पका दिया उन्हें। फाइनली शी अग्रीड कि मिठाई ला सकते हैं दिवाली के लिए, बट दैट वाज लाइक हाई अलर्ट। मैंने मम्मा को बोला, वो डर गई, कह रहे ऑस्ट्रेलिया में बहुत रिस्ट्रिक्शन है, $500 का फाइन हो जाता है। मेरी एयर हॉस्टेस है मासी, उनको बोला, उन्होंने भी कहा नहीं नहीं नहीं, तुम लोग पहली बार आ रहे हो, कोई चांस वांस मत लो, और रेड जोन से जाना पड़ेगा और डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, वो इंग्रेडिएंट्स पूछेंगे, चेकिंग हो सकती है। तो मैंने खुद से जो स्टडी किया उसके अकॉर्डिंग ले जा सकते थे जिस टाइम, और भाभी ने भी क्लियरली बोला था दिवाली की मिठाई में मोतीचूर के लड्डू और काजू कतली अलाउड है। बट नंदलेस इतना कुछ सबने डरा दिया कि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं स्मगलिंग कर रही हूँ। तो मैं ना वो डब्बा, आई विश मैं वीडियो में भी दिखा पाती हूँ, वो डब्बा लेके ऐसे उतरी थी एयरपोर्ट पे और मैं हर किसी को देख के बोल देती थी कि इंडियन कैंडीज, आई हैव रिटन इन द डिक्लेरेशन फॉर्म इंडियन कैंडीज। एंड आई थिंक वो दे रीड यू बाय फेस कि कोई बच्चा बंदा जेन्युइन है या नहीं,
एंड आई डोंट नो व्हाट देयर वेज आर. तो उन्होंने मुझे ग्रीन जोन से ही भेजा एंड मिठाई आ गई. अंदाजे में किसी ने रियलाइज किया जब मेरा ट्रैवल शुरू हुआ था 6:40 हो रहे थे 26 अक्टूबर को मॉर्निंग के, और ये जो मैं पहुंची हूँ मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, जो मैं लैंड करी हूँ तभी भी 6:40 हो रहे हैं मॉर्निंग के 27 अक्टूबर, पूरे 24 घंटे. मगर बहुत ही मज़ेदार था ट्रिप, बहुत बहुत मज़ा आया मुझे. आप लोगों के साथ ये जो कम्युनिकेशन मैंने नई शुरू करी है ना, ये बहुत बहुत बन गया क्या? हाँ बन गया, दिखाई भी दे रहा है. मुझे बहुत मज़ा आया. सो थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट ऑल द टाइम. चलिए आगे बढ़ते हैं. YouTube पे देखने की अलग बात है, खुद से देखने की अलग बात है. तो ये निशु की गाड़ी से हम घर जा रहे थे, विक्टोरिया स्ट्रीट पे उसका बेंटले रोड पर घर है. तो उस जर्नी में ही मुझे समझ आ गया था कि यहाँ तो अच्छी खासी ठंडी हवा है. खैर नज़ारा बहुत खूबसूरत है, तो एंजॉय तो करने वाले हैं. और इतना ओवरवेलमिंग भाई से मिलना ही था, और अभी आगे भी है. So, मेरे फेस पे ये जो अमेजिंगली सरप्राइज एक्सप्रेशन है, इट्स बिकॉज ऑफ दिस, लुक एट इट. ये मेरी कजन आरुषि का घर है, एंड यहाँ से पूरी की पूरी मेलबर्न सिटी क्लियरली ब्यूटिफुली नजर आ रही है. दिस इज सो गॉर्जियसली. देखा आपने वो क्या व्यू था, पूरा डॉकलैंड यार्ड दिख रहा है, वो पूरा वो आई वाला जो लंडन आई टाइप कहते हैं मेलबर्न में, उसे क्या कहते हैं कमेंट्स में मुझे भी बता देना, मैंने चेक नहीं किया है. वो भी दिख रहा है, पूरा सिटी दिख रहा है खूबसूरती से. मेरी बहन के घर से, आरुषि के घर से सारा का सारा नज़ारा एकदम खूबसूरत दिख रहा था. सो और अगले वीडियो, अभी जो आगे का पार्ट है उसमें ना, वो एक मोस्ट पॉपुलर मोस्ट फेमस इंस्टाग्राम केक है, उसका भी नाम मुझे नहीं पता है, मगर उसकी यूएसपी है कि उसमें रोज पेटल से बड़ा इंडियन फील में लगता है केक, लगता है कोई मिठाई है इंडिया की. तो उसका भी कोई नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा तो आई विल गिव अ शूट आउट नेक्स्ट व्लॉग में. भावी ने दिखाया है कि ये इंस्टाग्राम का मोस्ट पॉपुलर केक है, पर मैंने संभव देखा नहीं है. चलो यहीं देख लेते हैं आज. ऑलराइट, तो ये जो केक दिखाया मैंने, ये एक मॉल में था. तो हम उस वक्त मॉल ज्यादा घूम रहे थे आयरनिकली, जबकि मेरा डे वन था मेलबर्न में. लेकिन वी हैड लॉट टू कैच अप, मेरे भाई बहन, मेरे सारे कजन, मेरी मासी, मौसा जी, इतनी बातें थी ना हमारे पास करने की कि आई थिंक वही बेस्ट सेटअप था. और भाभी का तो हमने इंतजार किया, भाभी तो लेटर ऑन आई. खैर इसके बाद मैंने सबसे परमिशन लिया था कि मैं थोड़ा आप लोगों को व्लॉग में ऐड करूंगी. तो एवरीबॉडी इज गेम सन, तो हम देखेंगे ये सब डे नंबर 2 में, तो जो कि मैं कल अपडेट करने वाली हूँ और यहाँ मिल ही जाएगा आपको. तो ये जब वीडियो आप देखोगे तो आपको मजा आएगा ही, और आप लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दोगे. ओके देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. Loved to talk to you and would love to talk to you again, aage bhi. Bye.